ANU News, सच को जो लाए सामने। कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 39,616 नए मामले, 290 लोगों की हुई मौत। आरबीआई के नियमों को नहीं मानना पड़ा महंगा, अब बैंक को चुकाना होगा 79 लाख रुपए का जुर्माना। कोरोना नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा, नई मुंबई के 3 बार पर 50,000 रुपए का लगा जुर्माना। आजमगढ़ में खाना बनाते समय सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 14 लोग बुरी तरह झुलसे, 2 घर हुए क्रैश। सरकारी नौकरी की तलाश होगी खत्म, एसएससी ने 3,261 पदों पर निकाली वैकेंसी। भयानक सड़क हादसा, छोटे हाथी और कार की टक्कर से 4 लोगों की हुई जगह पे मौत। परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भारी वैन ट्रक से टकराई, 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। जौनपुर में गिरी कच्चा मकान की दीवार, भाई की हुई मौत, बहन भी गंभीर रूप से हुई घायल। प्रयागराज से लाइसेंस लौट रहे थे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सड़क दुर्घटना में मौत, 3 हुए घायल। बिहार में 1 अक्टूबर से बालू खनन शुरू होने का आसरा, जल्द ही सस्ता होगा बालू। रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा, प्रयागराज से लौट रहा था परिवार, ट्रक से 4 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल।